अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और उसमें अपने हमने देखा था उसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल ईयर देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी होती है, यूस्टेशियन ट्यूब कैसी होती है, और वो किस तरह से हमारे कनेक्टेड होती है विद द मिडल ईयर क्लेफ्ट, कैसे बनता है। और फिर हमने देखा कि उसकी कॉज क्या होती है, किन में ये ज़्यादा कॉमन होता है, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, हमने देखा कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर ये हो जाता है बैक्टीरियोलॉजी कौन से होती है और कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट द इट्स पैथोलॉजी एंड द क्लिनिकल फीचर्स। इसमें हमारे पास जो स्टेजेस होती हैं वो हमारे पास होती हैं चार, लेकिन आपके बुक में जो है वो फाइव दी हुई हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ द स्टेज ऑफ ट्यूबल इक्लूजन, मतलब कि आपकी जो ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, मैंने आपको बताया था पीछे कोई फ्लू चल रहा है, कोई साइनसाइटिस चल रहा है, नाक बंद हुआ है बच्चे का, उसकी वजह से। फिर हमारे पास प्री सपोरेटिव फेज़ आती है जिसमें एक्चुअली हमारे पास एक्जुडेशन होती है, मतलब एक्जुडेट आ जाता है बाहर, ठीक है, एक्जुडेट जमा हो जाता है, मींस के वहाँ पे फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। और फिर सपोरेशन की स्टेज आती है, मींस दैट इसमें हमारे बैक्टीरिया भी उस जगह पे आ जाएंगे कान के अंदर, ठीक है। फिर आती है स्टेज फोर विच इज़ द स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, जिसमें ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर स्टेज ऑफ फाइव आती है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिन्होंने यहाँ पे इसके साथ लिखी हुई है, इस कॉम्प्लिकेशन की स्टेज होती है। सो ये हमारे पास फाइव स्टेजेस होती हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास होती हैं ऑफ द एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। होता क्या है इसमें देख लेते हैं उसे। तो सबसे पहले जो आपकी स्टेज आती है डैट इज़ अ स्टेज ऑफ ओक्लूजन। उसमें क्या होगा कि आपका ये देखें नाक के अंदर वायरसेस वगैरह बैठे हुए हैं, वो यहाँ से हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास नॉर्मल जो यूस्टेशियन ट्यूब का काम था कि उसने फ्लूइड को एक्युमुलेट नहीं होने देना था हमारे कान के अंदर, उसको ड्रेन करते रहना था नाक के अंदर, अब वो बंद हो गई है, ठीक है, ओक्लूड कर गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे मिडल ईयर होगा ना उसमें नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये यूस्टेशियन ट्यूब बंद है। अब प्रेशर कैसे मेंटेन रहेगा, प्रेशर भी नहीं मेंटेन रहेगा और फ्लूइड भी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेसोफेरिंक्स इन द यूस्टेशियन ट्यूब रिजल्ट्स इन द यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन लीडिंग टू नेगेटिव मिडल ईयर प्रेशर। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, एक तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरा मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इस केस में हम खुद सोचें कि पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट के कान में इतना ज़्यादा पानी आ गया तो उसको डेफनेस होगी ना, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरा उसको क्या होगा, डेफनेस के साथ साथ उसको क्या होगा, दर्द होगी, पेन होगी, ठीक है, और तीसरा कुछ भी नहीं। ये दोनों हमारे पास चीज़ें होंगी, डेफनेस और पेन होगी, ठीक है। सो इसमें हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस तरह से नज़र आएगी, अब ये आपकी नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, अब हुआ क्या हुआ है कि मिडल ईयर के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, उसकी वजह से क्या होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ी बहुत जो है ना हैंडल, ये जो हैंडल ऑफ मेलियोलस है ना, इसके इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी हमें ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी। इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा, पेरीफ्री पे थोड़ी सी नज़र आ जाएंगी, तो मतलब इतना क्लियर नहीं होगा व्यू, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ा सा मसला होगा। अब जो दूसरी स्टेज होगी ना, स्टेज ऑफ प्री सपोरेशन, उसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ये होगा कि जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब थी वो ब्लॉक हो गई हुई थी ना, अब वहाँ से थोड़े से बैक्टीरिया यहाँ पे चले जाएंगे इसके अंदर मिडल ईयर में, ठीक है, और वहाँ पे जाएंगे और थोड़े बहुत, ठीक है, मतलब अभी प्री सपोरेशन की स्टेज है, वहाँ पे भी पस प्रोड्यूस नहीं हुई, बस ये हुआ है कि बैक्टीरिया वहाँ पे चले गए, अभी वहाँ पे पस वगैरह उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। तो अब होगा क्या आगे हमारे पास जो है ना, अब पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे भी जो कान की दर्द है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, जो पहले हो रही थी अब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और पेशेंट को थोड़ा सा बुखार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बुखार होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी जो है रेस्टलेसनेस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो ईयर एक होती है ना वो थ्रॉबिंग है, ईयर पेन होती है जब उसने बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाते हैं, तो फीवर होता है और थोड़ी बहुत बच्चे को जो है ना रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास प्री सपोरेटिव वाली स्टेज है जिसमें हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको इस तरह से नज़र आएगी। इसको हम करैक्टरिस्टिक नाम देते हैं कार्ट व्हील अपेरेंस, ठीक है, कार्ट व्हील अपेरेंस होती है, जैसे आपका कार्ट व्हील होता है ना, जैसे ये कार्ट व्हील है, ठीक है, कार्ट की व्हील है। तो अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप अगर देखें ना तो आपको इस तरह से ना ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे नज़र आएंगी, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपने नोट करनी है कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ऐसे आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये नज़र आ रही हैं ब्लड वेसल्स, बिल्कुल कार्ट व्हील अपेरेंस दे रही हैं। तो ये कार्ट व्हील अपेरेंस होती है, वो जो कोन ऑफ लाइट मैंने आपको दिखाई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ऐसे नज़र आ रही थी आपको इस साइड पर, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सो ये आपके पास स्टेज टू होती है, प्री सपोरेशन स्टेज, जिसमें बैक्टीरिया उस जगह पे आ जाते हैं, पेशेंट को दर्द ज़्यादा हो जाती है और फीवर थोड़ा सा हल्का सा होना शुरू हो जाता है और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये होती है स्टेज थ्री, जिसमें क्या होता है, अब जो है ना यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई थी, उसमें से सारा जो बैक्टीरिया है वो आना शुरू हो गया सेकेंड स्टेज में हमारे पास उधर, और वहाँ पर उन्होंने पस प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। ये आपको ग्रीन कलर की पस नज़र आ रही है, अब ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब जब पस होगी ना इतनी ज़्यादा, तो वो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ
मतलब धिक्का देगी, ठीक है, लैटरली धिक्का देगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो आपको बल्जिंग नज़र आएगी उसमें, ठीक है। सो पस इन द मिडल ईयर, उसकी वजह से क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज करना शुरू कर देगी। इस स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को कान में दर्द होगी, लेकिन उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा जो है उसको फीवर होना शुरू हो जाएगा, 102 से 103 बुखार शुरू हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक चीज़ है इस स्टेज की, ठीक है। और उसको जो है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कन्वर्जेंस भी हो सकती है, ठीक है, इतना उसका कान जो है वो भर गया है पस के साथ। और जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो आपको कैसी नज़र आएगी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो आपको इस तरह से नज़र आएगी, सेकेंड स्टेज में आपको कार्ट व्हील अपीयरेंस नज़र आ रहा था। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर क्या होगा कि उसकी बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जो लैंडमार्क्स है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो पहले आपको नॉर्मल मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई थी कितनी प्यारी सी बनी हुई थी, अब यहाँ पे देखें कि उसको बल्जिंग होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे देखें निप्पल लाइक प्रोट्रूजन हो गई है, इसको हम कहते हैं ये जो निप्पल लाइक जैसे निप्पल होता है ना उसी तरह ये निप्पल लाइक प्रोट्रूजन बन जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। सो द निप्पल साइन इज एक्चुअली द लोकलाइज प्रोट्रूजन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फाइब्रस लेयर। जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है ना, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, तो जो फाइब्रस लेयर होती है ना वो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जब वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है वहाँ यहाँ पे, तो उसकी वजह से निप्पल लाइक प्रोट्रूजन हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ये देखिए हमारे पास स्टेज ऑफ सपोरेशन है, सारा मिडल लेयर जो है फ्लूइड से भरा हुआ है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, ठीक है, निप्पल लाइक प्रोट्रूजन देगी यहाँ पे। फाइनली आपके पास होता क्या है कि फोर्थ स्टेज पे स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन हो जाती है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो पेशेंट के जो दर्द होती है कान की वो इससे रिलीव हो जाती है, क्योंकि प्रेशर सारा बाहर आ गया, वो टूट गई है सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रप्चर हो गई है, सारे पास बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो पेशेंट की दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर भी उसका कम हो जाएगा, और WBC का जो काउंट भरा हुआ था पहले वो भी नॉर्मल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें क्या होता है कि अगर जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन हुआ होगा ना, तो वो आपके जो है पीछे जा सकते हैं मैस्टॉइड में, मैस्टोडाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं हमारे पास ब्रेन में, और ब्रेन एब्सेस बना सकता है, मेनिनजाइटिस करवा सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बना सकता है, पीट्रोसाइटिस बना सकता है, कर सकता है, ठीक है। और अगर ये इनर ईयर की तरफ चला जाए तो क्या होगा, लेब्रानाइथिस हो सकता है, ठीक है, लेब्रेंस को इन्वॉल्व कर लेगा, फेशियल पैरालिसिस भी करवा सकते हैं, यहाँ पे फेशियल नर्व हमारी होती है उसको डैमेज कर सकता है, और अगर पीछे ऊपर ब्रेन की तरफ जाए तो लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी करवा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ जो है वो हमारे पास स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के हमारे पास होती हैं कि अगर ये स्प्रेड कर जाए इर्द गिर्द। पहले क्या हुआ था, स्टेज ऑफ ऑक्लूजन में हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, सेकंड स्टेज में क्या हुआ था कि हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, स्टेज ऑफ सपोरेशन में यहाँ पे पस जमा हो गई, पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज करना शुरू कर दी, ठीक है, और स्टेज जो हमारी थी उसके बाद रेजोल्यूशन, उसमें हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो गया और सारा जो पस है वो बाहर आ गया, ठीक है, सारी पस बाहर आ गई। तो इस तरह से ये सारी स्टेजेस थी, और अगर ये कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर ये इर्द गिर्द फैल जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास है। और फीवर किस में सबसे ज़्यादा होता है, स्टेज ऑफ सपोरेशन में, जब ये सारी पस से भरी होती है, बैक्टीरिया जमा हुए होते हैं, पस प्रोड्यूस की होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज की होती है, निप्पल साइन प्रोड्यूस किया होता है उसमें। कार्टविल साइन किस में था, सेकंड स्टेज में, स्टेज ऑफ प्री सपोरेशन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये टेबल आपने कर लेना, इसके ऊपर ये सारा समराइज लिखा हुआ है कि कौन से स्टेजेस हैं, और मैंने जो बताया वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे पेशेंट का, इसमें हम दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल थेरेपी करते हैं, सर्जिकल करते हैं। मेडिकल में हम क्या देंगे, पेशेंट को पस हुई हुई है ना, बैक्टीरिया जमा हुए हैं, तो क्या देंगे हम, देंगे उसको ड्रग्स, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल देंगे, जिसमें हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन आपने याद रखना है ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। उसके बाद वो सारे ड्रग्स देंगे जो हमारे सारे बैक्टीरिया को कवर करे, स्टेप निमोनिया को कवर करे, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा को कवर करे, मार्क्सिल्ला को कवर करे। फिर सेकेंड नंबर पे पेशेंट को फ्लू वगैरह हुआ है, तो उसके लिए हमने ये देने होते हैं, डी कंजेशन देने होते हैं, ठीक है, जिसमें एफिड्रीन देते हैं हम, ओरल नेजल डी कंजेशन होते हैं, ये हमने ड्रॉप्स दिए थे, ठीक है, यहाँ पे हमने ओरल देने हैं, और इसमें सूडो एफिड्रीन देनी होती है। फिर आपके एनर्जेजिक्स आ जाते हैं, एनर्जेजिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, पेशेंट को पेन है तो उसके लिए आपने एनर्जेजिक्स दे दिए, ठीक है, और एंटीपायरेटिक्स आपने दे दिए, फीवर के लिए पैरासीटामोल दे दी, ठीक है, ईयर टॉयलेट कर दिया, सारा वो जो डिस्चार्ज हुआ है उसको साफ़ कर दिया, ठीक है, किसके साथ, मॉपिंग कर दी, या वो जो हमने सारी पड़ी थी विक कर दिया, या जो भी हमने सक्शन वगैरह करनी होती है वो हमने कर देनी होती है। पेशेंट को पेन है तो एनर्जेजिक्स के साथ ड्राई लोकल हीट भी देते हैं। फिर हमारे पास प्रोसीजर आते हैं मायरिंगोटमी, ठीक है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। तो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट होगी, सर्जिकल में आप क्या करेंगे,
ये आप करते हो जब आपकी इंडिकेशंस होती हैं कि जब हमारे पास जो हमारा ईयर ड्रम है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बल्ज आउट कर रहा है। मैंने बताया था ना इतना ज़्यादा बल्ज करना शुरू कर देता है स्टेज ऑफ सपोरेशन में, वो इतना ज़्यादा बल्ज आउट कर रहा है कि अब हम क्या करें। उस केस में जो है हमने मेरिंगोटोमी करनी होती है या हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा कोई, ठीक है, उस केस में हमने करना होता है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है उस केस में करना होता है। तो मेरिंगोटोमी हम करते क्या है कि वो जो स्टेज ऑफ सपोरेशन होती है ना, ठीक है, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन नहीं आ रही होती, स्टेज ऑफ सपोरेशन में पेशेंट होता है तो हम जो है खुद ही क्या करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर इंसिजन देते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और क्या करते हैं कि वो जो सारी पस होती है जब हम इंसिजन देते हैं सारी वो जो पस अंदर जमा हुई होती है मिडल ईयर में वो बाहर आ जाती है, ठीक है, बाहर आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अंदर ट्यूब डाल देते हैं क्योंकि हमने ईयर ड्रम को भी तो क्लोज़ करना होता है ना, तो ट्यूब को हम अंदर डाल देते हैं, ये हमारे पास होता है एक, इसको हम अंदर डाल देते हैं तो उस ये नलकी की टाइप का होता है, तो इसको हम जब अंदर डाल देते हैं तो वो जो थोड़ी देर बाद खुद ही रिपेयर हो जाती है हमारी मेम्ब्रेन, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे भी हमने ये डाला हुआ है, ठीक है। सो मेरिंगोटोमी हम तक कब करते हैं जब हमारे पास इंसाइज करते हैं ड्रम को और इवैक्यूएट करते हैं पास को, और उसके बाद जो है उसके अंदर ग्रोमेटिक इंसर्शन कर देते हैं, वो जो मैंने आपको बताया ना अंदर डालते हैं उसको हम ग्रोमेट कहते हैं, ठीक है, उसको इंसर्ट कर देते हैं अंदर। सो इसकी इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस केस में हम करते हैं जब ड्रम बल्ज कर रही होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होती है, दूसरा ये कि हमारे पास जो है हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, या हमारे पास सिफ्यूजन जो है वो 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गए लेकिन अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हो रही अंदर से पस वगैरह फ्यूजन वगैरह, तो उस केस में हमने दे देनी होती है, ठीक है। सो ये सब कुछ हमने नोट करना होता है। सो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि 10 साल की बच्ची है, उसको जो है वो सॉर थ्रॉट गला था उसका खराब 4 दिन से, ठीक है, अब उसे जो है ना लेफ़्ट कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो बताएं जी उसको क्या है, ठीक है, तो फ्लू की वजह से वो हो गया है और जो है सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और ये हमारे पास लड़का है 8 साल का, उसको एक्यूट कोराइजा हुआ था और 2 साल के बाद जो है उसे क्या हुआ कि फीवर हो गया, पेन हो रही है। ये वाला क्वेश्चन है कि 2 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, उसे कान में दर्द है, कॉमन कोल्ड था उसे, ठीक है, और उसका रेड ड्रम हुआ हुआ है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, WBC काउंट भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। इसकी स्टेजिंग उन्होंने पूछी हुई है, ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, इसके बाद उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स पूछे हुए हैं हमारे ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट का, तो इसमें आपने जो है ना वो टेबल के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं और इसमें लिख देने हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।